आज मैं आप लोगों के साथ खट्टा दही बनाना शेयर करूंगी, क्योंकि गर्मी आ गई है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि COVID-19 यानी कि कोरोना के वजह से हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हमारे लाइफस्टाइल को थोड़ी सी हेल्दी रखनी है और खाने के लिस्ट में खट्टा दही रहना ज़रूरी है। इसमें जो विटामिन डी, कैल्शियम रहती है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। सबसे ज़रूरी बात है, यह शरीर में टॉक्सिन को जमने नहीं देती, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो प्रोबायोटिक रहती है वो हमारी खाना को हजम करने में सहायता करती है। इसके लिए सबसे पहले दूध उबलनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट यानी कि 500-500 करके 1 लीटर दूध यूज़ की है। इस दूध को लो फ्लेम में उबलने के लिए छोड़ दी है। उस टाइम पे पहले से रखी हुई 3 चम्मच खट्टा दही को थोड़ी सी ऐसे हाथा की मदद से थोड़ी सी मॉइस्ट करनी पड़ेगी। अब देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से मॉइस्ट हो गई है, बिल्कुल दूध की जैसी हो गई है। और इस साइड पे भी अच्छे से दूध उबल चुकी है। अभी इसमें 2 इलायची को दे दूंगी अच्छे फ्लेवर के लिए। अभी दूध को थोड़ी सी गाढ़ा करनी है, इससे अच्छे से दही जमेगी। और दही जमाने के लिए मलाई वाला दूध ही ज़रूरी है, क्योंकि टोन मिल्क जो है उसे अच्छा दही नहीं होती। तो अभी थोड़ी सी गाढ़ा हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी गैस को ऑफ कर दूंगी और फिर गैस बंद करने के बाद हाथा की मदद से थोड़ी सी दूध को इधर उधर करके फेंटते रहूँगी। इसे करके दूध थोड़ी सी ठंडा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म दूध में दही अच्छी नहीं होती। इस दूध को इतनी ही गर्म रखनी है कि अपनी उंगलियाँ डुबाने से आपको तकलीफ़ ना हो, यानी कि दूध को ज़्यादा गर्म भी नहीं रखनी है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखनी है। अभी इस फेटी हुई दही के ऊपर थोड़ी सी दूध ले लूँगी और इस तरह से मिक्स करूँगी। इसे करके दही भी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। उसके बाद इस फेटी हुई दही को थोड़ी थोड़ी करके कुछ इस तरह से दूध के साथ मिक्स करूँगी। हम अगर इतना याद रखना है कि इस टाइम पे दूध ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्का सा गर्म रखनी है। अभी इस मिक्स की हुई दूध को 2 पात्र में ले लूँगी और ढक्कन की मदद से उसे ढक दूँगी। और फिर एक बेड कवर के ऊपर इन दोनों को रख दूंगी और एक बेड कवर की मदद से इसे अच्छे से कवर कर दूंगी, ताकि थोड़ी सी गर्मी रहे। आप इसके बदले कंबल भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसे 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अभी 10 घंटा हो गई है तो इसे अभी खोलूंगी। अभी आपको इसे काट के दिखाऊंगी। इस खट्टा दही से आप अपने घर पे छाछ, लस्सी कुछ भी बना सकते हैं। अगर मेरे इस दही बनाने की प्रोसेस आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।